बताने जा रही हूँ तवा बैंगन। तो तवा बैंगन के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लेम से तो है, मतलब जैसे आम बैंगन बनते हैं तो तवा क्यों? अच्छा, तवा मीन्स कोई ब्रॉड पैन, या जैसे ये तवा है ये वाला, वो इसकी वजह ये है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के लिए इसको किसी ब्रॉड पैन में डालने की ज़रूरत होती है, ताकि आप जो है इसमें अच्छे से ये कुक हो जाए ना, हर तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है एक पैन, और अभी तो मेरे पास बैंगन ही है, बाकी जैसे जैसे मैं डालती जाती हूँ मैं आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस, ये है ऑयल, तो ये सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ इसमें ऑयल। अच्छा, ऑयल इसमें ज़रूरी नहीं है ज़्यादा डालें, इसका तवा तवे पर बनाने का मकसद ही इसका ये है कि बस इसमें इतना ऑयल डालें कि हर इनको डालने के लिए ये हर एंगल से जो है कुक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, मसाले भी डाल देने हैं। तो मसालों के लिए आपको क्या चाहिए, रेड चिली पाउडर, ठीक है, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, धनिया पाउडर। अच्छा, मैंने इसमें रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डाला है, उसकी वजह ये है कि मैं इसमें अब ग्रीन चिली भी डालूंगी। क्लीनिंग का भी बहुत ख्याल रखा करें, ठीक है, टाइम टू टाइम इसको क्लीन भी करते रहा करें, ताकि ये आपका जो काउंटर है वो खराब ना हो। अब देखिए, ऑयल इसका जल्द हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो अच्छे से कुक हो जाए हम फिर। अच्छा, ये गोल्डन ब्राउन थोड़े से डार्क कलर के हो जाए तो ज़्यादा और ज़्यादा मज़े देते हैं, हम तो थोड़ा डार्क ही खाते हैं, एक साइड इसका थोड़ा डार्क होता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अब किसी भी ऐसे स्पून जो प्लेन हो उसकी मदद से आप इसको टर्न करें और देखें कि ये इसका कलर क्या आया है। अभी इसमें डार्क ब्राउन नहीं हुए, लेकिन हम फिर भी इसको एक साइड इसकी चेंज करेंगे और फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे।
इसमें हम दो हरी मिर्चें भी काट कर डालेंगे। हरी मिर्चों को आपने ऐसे इस शेप में काटना है ताकि अच्छे से पक भी जाए। ये बैंगन जो है ये इतने अच्छे बनते हैं मैं आपको क्या बताऊं। ये दिखने में तो एक सिंपल सी डिश है कि मैं जस्ट उसको काट कर और मसाले डालकर, अब देखिए ये कितना अच्छा इसका कलर आया है। इस तरीके से हमें इसको फ्लिप करना है और इसमें ना ज़्यादा ऑयल कुछ भी, मतलब कम ही ऑयल डलता है। थोड़ा सा आप ऊपर से बस इसको डालते रहें ऑयल, अगर इसकी लीज हो आपको लगे कि ये ड्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा इसका जो है ना ऑयल हम ऊपर से डालेंगे। और आपको पता है कि इसमें एक ट्विस्ट आने वाला है, वो ट्विस्ट ये है कि इसके जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इसके इसको गार्निशिंग के तौर पर इस पर योगर्ट भी थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि बैंगन और का और योगर्ट का एक इतना अच्छा कॉम्बो होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही चटपटी और बिल्कुल अमेजिंग रेसिपी है ना। क्या इसकी खुशबू आ रही है, आप लोग ट्राई करेंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी मैंने रेसिपी बनाई है। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, लेकिन अभी तक जो है अभी आप जाइएगा मत, अभी ये कुक हो रहे हैं तो देखिएगा, पूरी रेसिपी देख कर ही जाइएगा। ये देखें, ये जैसे डार्क थोड़े होते हैं ना, तो इसमें टेस्ट जो है इसका और ज़्यादा अच्छा आता है। तो कोशिश क्या करें इसको पकाएं, लेकिन थोड़ा सा ये डार्क होंगे ना, थोड़ा क्रिस्पी डार्क, तो ये और ज़्यादा अच्छे मतलब लगते हैं। इस तरीके से करें ताकि ऑयल हर एंगल से इसके जो है चला जाए। और योगर्ट का और इसका बैंगन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो योगर्ट तो मस्ट डाला करें। और एक होती है रायते वाले बैंगन। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट रायते वाले बैंगन बनाऊंगी। और कल का तो मेन्यू सुनते जाएं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कल का जो मेरा मेन्यू है वो है लौकी और चना दाल की रेसिपी। हाँ, लौकी और चना दाल की रेसिपी है कल की। तो गाइस कल जो है आप लोग ज़रूर जो है मिस मत कीजिएगा मेरी वीडियो। कल इंशाल्लाह मैं आज सामान भी लेके आई थी, आज वो मैं खास गई इसीलिए थी कि मैं थोड़ा सामान लेके आऊँ ताकि फिर मुझे कल वीडियो बनानी है। तो कल की होगी हमारी लौकी और चना दाल की रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी होती है वो। तो आप लोग जो है ज़रूर कल वाली रेसिपी तो मिस ही मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा इसका मैंने फ्लेम बढ़ा दिया क्योंकि अब ये कुक हो चुके हैं, बस थोड़ा सा ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और कुक हो चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें क्रिस्पी डार्क करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये डार्क ज़्यादा अच्छे होते हैं टेस्टी। टेस्ट भी मतलब कहते हैं थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। पहले और इसके अब वाले कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक
ये देखिए इसका कलर है ना, अब ये आया है इसका असल कलर जो मैं चाह रही थी आप लोगों को दिखाना, वो आया है अब। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए जो है डालेंगे धनिया, सीजर। मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने साथ सीजर जो है वो रखा करें जरूर। अच्छा मैं तो कहती हूँ उसको उसको प्लेटर में सर्व ही ना करें, इसको ऐसे पैन में ही रहने दें। और गाइस अब जो है हम करेंगे इसका फ्लेम बंद, और अब देखिए ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं, दिखने में ही आप लोगों को अंदाजा होता होगा। और अब हम इसमें डालने लगे हैं योगर्ट, क्योंकि दही और जो है बैंगन का कॉम्बिनेशन ऐसे ही अच्छा लगता है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? तो ये है हमारे तवा बैंगन तैयार। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट लो, और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर आप लोग उसको देख सकें। और आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और हाँ कल की जो मैं आपको अपनी रेसिपी बता रही हूँ कौन सी, लौकी चना दाल की रेसिपी, तो वो देखना मत भूलिएगा। कल ज़रूर आप मेरा चैनल सर्च कीजिएगा कि मैंने अपलोड की या नहीं की, कल इंशाल्लाह डे टाइम तक वो मैं अपलोड कर दूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।